हेलो दोस्तों, क्या आपको भी इसी तरह से कभी कभी बैठना पड़ जाता है अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट को लेके, जबकि आपने वाईफाई राउटर अपने घर में लगवाया हुआ है? तो क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों ऐसा होता है कि आपको बेहतर स्पीड अपने राउटर पे नहीं मिल पा रही है? पांच टिप्स बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, जिससे कि आप अपने वाईफाई राउटर की स्पीड को बढ़ा सकेंगे और उसके बाद जी भर के अच्छी स्पीड के साथ में आप वीडियो स्ट्रीमिंग कीजिए, डाउनलोडिंग कीजिए, चैटिंग कीजिए, कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं आप देखना चुका चुका था टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास वाईफाई राउटर तो है लेकिन स्पीड अच्छी नहीं मिलती है, तो सबसे पहले आप उसकी लोकेशन चेक कीजिए कि आपने अपने राउटर को लगाया कहाँ पर है। आपने कहीं ऐसा तो नहीं किसी कैबिनेट में या किसी बॉक्स वगैरह में उसको लगा रखा है ताकि बच्चे वगैरह टच ना करें, और जिसकी वजह से उसके सिग्नल्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हों, रुकावट आती हो और आपको बेहतर सिग्नल आपके राउटर से नहीं मिल पाते हो। तो सबसे पहले तो उसको रीलोकेट कीजिए, कोई ऐसी जगह पर रखिए घर के अंदर जहाँ से पूरे घर में आपके एक बराबर सिग्नल आपके पहुंच सके। दीवार के सटा के या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सटा के या अप्लायंसेस वगैरह होते हैं ना, जैसे फ्रिज वगैरह है कोई ऐसा घर में आपकी वॉशिंग मशीन, उसके आसपास में ऐसा नहीं होना चाहिए माइक्रोवेव वगैरह, जिससे कि उसके सिग्नल्स पे फर्क पड़े। तो आपको एक तो घर के बीच में रखना है, दीवार वगैरह कोई ऐसी चीज से हटा के रखना है जिससे कि सिग्नल पे कोई फर्क ना पड़े, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अप्लायंसेस भी उसके पास में नहीं होने चाहिए। अगला स्टेप है दोस्तों, सबसे पहले आप अपने वाईफाई राउटर को चेक कीजिए क्या आपने डुअल बैंड राउटर यूज किया हुआ है। अगर ऐसा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपने राउटर की जो ऑप्टिमम स्पीड है उसको 5 GHz पे सेट कीजिए। ज्यादातर होता क्या है कि वाईफाई राउटर 2.4 GHz पे सेट होके आते हैं जनरली, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके अगर आसपास में दूसरे राउटर भी लगे हुए हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, वहां से सिग्नल आ रहे हैं, तो 2.4 GHz पे वो दूसरों के साथ में कंजेस्टेड होता है और वहां पर इंटरफेरेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से आपको सिग्नल में बेस्ट स्पीड नहीं मिल सकती। तो आप अपने जो डुअल बैंड राउटर अगर आपने लगाया हुआ तो 5 बैंड या उसकी मैक्सिमम जो स्पीड है उस पर सेट कीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि जितने ज्यादा गीगाहर्ट्ज़ पे आपका बैंड सेट होगा उतनी ही फास्ट स्पीड आपको मिल सकेगी। अगला स्टेप है दोस्तों, आपको अपने वाईफाई राउटर का चैनल सिलेक्शन सेट करना है। दो चैनल सिलेक्शन होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। आपको ऑटोमेटिक पे सेट करना है। उससे फायदा क्या होगा, अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा आबादी है, तो जाहिर सी बात है वहां पर ज्यादा राउटर, ज्यादा डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का भी यूज होता होगा। उसकी वजह से क्या होता है कि सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ होती है उस पर फर्क पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने मैनुअल कोई बैंड को चैनल को सिलेक्ट किया हुआ है तो वहां पर अगर उस तरह की स्पीड नहीं मिल पा रही है, कंजेशन ज्यादा है, तो आपको भी उसका फर्क पड़ेगा आपकी डिवाइस के सिग्नल पे भी। तो इसलिए आपको ऑटोमेटिक पे रखना है। ऑटोमेटिक पे क्या होगा कि जो बेस्ट आपको मिलेगा, कम कंजेशन के साथ में जो चैनल मिल रहा होगा आपका वाईफाई राउटर, उसको सिलेक्ट करके उसी के माध्यम से आपको स्पीड यानी कि सिग्नल प्रोवाइड कराने के लिए कोशिश करेगा। अगर आपके पास ऑटोमेटिक नहीं है तो फिर आपको करना क्या है, मैनुअल में उस चैनल को मैनुअली सिलेक्ट करना है जो आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। अगला स्टेप है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है क्वालिटी ऑफ सर्विस टूल को लेके। ज्यादातर आज के जो राउटर हैं वो QoS यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस टूल के साथ में आ रहे हैं। इसमें फायदा क्या होता है आपको, अगर आप इसमें चाहें तो अपने अलग अलग जो आपके यूज हैं इंटरनेट को लेके उसमें अलग अलग बैंड वाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपकी सबसे मेन प्रायोरिटी है कि आप वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो उसका बैंड वाइड का सिलेक्शन आप मैनुअली कर सकते हैं कि मुझे ये मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। अगर आप डाउनलोडिंग ज्यादा करते हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अलग से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें फायदा क्या होगा, मान लीजिए एक तरफ आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी डाउनलोडिंग चल रही है, अपलोडिंग चल रही है, और आपने जो आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस टूल में आपने बैंड वाइड सिलेक्ट किया हुआ है अपना मेन प्रायोरिटी पे कि स्ट्रीमिंग रुकनी नहीं चाहिए, तो आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं रुकेगी, बाकी कम स्पीड के साथ में आपका जो डाउनलोडिंग या अपलोडिंग है वो चलती रहेगी। तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। और लास्ट स्टेप है दोस्तों स्पीड बढ़ाने का, कि आप अपने हार्डवेयर को चेक कीजिए, यानी कि वाईफाई राउटर जो आप यूज कर रहे हैं वो अगर पुराना है तो उसको आप अपग्रेडेड हार्डवेयर यानी कि नए वाईफाई राउटर के साथ में चेंज कर लीजिए, क्योंकि अब नए जो राउटर्स आएंगे वो नई परफॉर्मेंस, नए हार्डवेयर, नए क्वालिटी के साथ में आएंगे, तो वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस आज के जो सिग्नल्स हैं उनके हिसाब से दे सकते हैं। उसके अलावा आप ये एक काम और कर सकते हैं कि एक्सटर्नल आप उसमें अपने राउटर में जो एंटीना होते हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल आप लगा लेंगे तो उससे आपके सिग्नल स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ेगा,
बेहतर सिग्नल आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 सिंपल स्टेप जो आप अपने वाईफाई राउटर के साथ में करने के बाद आप बेहतर स्पीड को पा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है, और भी ढेर सारी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, भूलिएगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन्वाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ, जाते कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर अभी भी नहीं किया घंटी बटन जरूर दबा दिए ताकि अगली आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।